तहसील नैनपुर के अंतर्गत आने वाला हल्का नंबर 9 पटवारी केशव ठाकुर ग्राम पाठा सिहोरा में पदस्थ है और जिन्हें आज लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। शिकायतकर्ता चंद्रशेखर तिवारी निवासी मंडला महाराजपुर मंडला के द्वारा 7 सितंबर 2021 को लोकायुक्त जबलपुर के समक्ष शिकायत लेकर पहुंचा और बताया कि जमीन नामांतरण व ऋण पुस्तिका बनाकर देने के नाम पर पटवारी 5,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है, जिस पर 9 सितंबर 2021 को जबलपुर लोकायुक्त की टीम नैनपुर पहुंची और पटवारी केशव ठाकुर को रंगे हाथों पकड़ा और कार्रवाई जारी है, जहां पर लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने यह रहे उपस्थित निरीक्षक कमल सिंह उइके, निरीक्षक रंजीत, निरीक्षक अतुल श्रीवास्तव, विजय विष्ट और साथ ही में जुबेदा खान, जीत सिंह शामिल हैं। ये पटवारी जी के यहाँ जो लोकायुक्त की कार्रवाई की गई है, ये किस आधार पर की गई है और इसमें आप लोगों के द्वारा जांच में क्या पाया गया, इसकी एक विस्तृत जानकारी बताइए। दिनांक 7/9/2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त जबलपुर के समक्ष में एक आवेदक चंद्रशेखर तिवारी ये शिकायत लेकर पहुँचे हैं। इन्होंने शिकायत की है कि उनके जमीन का नामांतरण और वही ऋण पुस्तिका बनाने के संबंध में बन चुकी है और उसको देने के बनाकर दे चुके थे, लेकिन उसके इनाम के तौर पर 5,000 रुपये की मांग की जा रही है। इस शिकायत के सत्यापन के उपरांत आज आवेदक द्वारा जो रिश्वत में 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी वो पटवारी जी को दिया, उनको रंगे हाथों आज गिरफ्तार किया गया है और इसमें कार्रवाई अभी जारी है। चंद्रशेखर तिवारी कहाँ के हैं? चंद्रशेखर तिवारी ये महाराजपुर मंडला आवेदक का पूरा पता, नाम पूरा बताओ। आवेदक चंद्रशेखर तिवारी है, हनुमान वार्ड महाराजपुर जबलपुर मंडला से। और मेरा नाम सर चंद्रशेखर तिवारी। अच्छा सर, क्या मामला है और आज की जो कार्रवाई है वो किस आधार पर? मामला ये है सर, मैं फरवरी माह में मतलब पाटा सिहोरा हल्का में हल्का नंबर 9 पे जमीन खरीदा था और वहाँ पे मतलब 1 एकड़ 64 डिसमिल जमीन खरीदा था मैं मुकेश झारिया जी की। उसके बाद में सर क्या है मतलब मेरा नामांतरण के लिए मतलब केस आया तहसील में, तो नायब तहसीलदार मैडम भी मतलब नामांतरण मतलब नहीं कर रही थी, परेशान कर रही थी, बार बार बुलवा रही थी। उसके बाद पटवारी साहब ने बोले कि मैं सब कुछ करवा दे रहा हूँ, बोले है क्या नहीं आपको 5,000 रुपये देना होगा। तो मैंने मतलब बोल दिया ठीक है सर, मैं बोला करवाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, है क्या नहीं। उसके बाद में सर मतलब कई दिन झुलाते रहे मुझे। उसके बाद पटवारी साहब, नाम बताया केशव प्रसाद ठाकुर जी पटवारी, ये कई प्रकार कई दिन से मुझे मतलब परेशान करते रहे। उसके बाद में ये पैसों के लिए बहुत प्रताड़ित करते रहे, मैं आता था तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, अभद्र व्यवहार करते थे, मतलब बोलना नहीं ढंग से, मतलब बैठने के लिए नहीं बोलना, कुछ नहीं, मतलब इस टाइप से मेरे साथ व्यवहार करते थे। और मैंने फिर उसके बाद में ये पैसों की मांग की है मेरे से 7 तारीख को मैंने मतलब लोकायुक्त में शिकायत किया, ठीक है ना सर, और 8 तारीख को मतलब ट्रैप करवाया, 7 तारीख को ट्रैप करवाया सर, 6 तारीख को मतलब आवेदन दिया था मैंने और आज 9 तारीख को रंगे हाथ मतलब रिश्वत लेते सर। कितनी की रिश्वत? 5,000 रुपये। नायब तहसीलदार कौन थी उस टाइम में? नायब तहसीलदार उस समय में वंदना, वंदना तो अभी शीतल मैडम थी जी, नहीं वंदना मतलब वो थी वंदना। कुल कितने पैसे मांगा गया था आपसे? हमसे 5,000 रुपये मांगा गया था सर जी। उसी को रंगे हाथ? जी रंगे हाथ पकड़वाया। अपना नाम पता बताएं? मेरा नाम चंद्रशेखर तिवारी है, मैं मंडला के महाराजपुर। बाइट लगाएं, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए मंडला से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।